हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल एग्ज़ाम को लेकर, यानी कि यूपीपीसीएल TG2 में 714 पदों पर जो तैनात थे लोग, उनकी नौकरी यहां पर छीन ली गई है। क्यों छीनी गई? ट्रेवल सी सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर विवाद है और इसी को लेकर यहाँ पर ऐसा किया गया है। तो क्या है ये पूरा जानकारी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर किसकी गलती है, यूपीपीसीएल का गलती है या जो कैंडिडेट है उनकी गलती है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या है पूरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद में उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओआर, यूपीपीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि सभी एग्जामों के लिए आपके इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कोर्स में लगातार वहां पर आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज अभी आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मुझे वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहाली के लिए डिप्टी सीएम से लोग मिले हैं, पावर कॉर्पोरेशन। यहाँ पर क्या पूरा माजरा है, क्या पूरा मैटर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, विद्युत सेवा आयोग द्वारा यूपी कॉरपोरेशन के लिए वर्ष 2014 में 2211 TG2 पदों के लिए जारी विज्ञापन में चयनित एवं 2015 में नियुक्त कर्मचारियों में से वर्ष 2018 में 714 को हटा दिया गया नौकरी से। पीड़ित कर्मचारियों ने सोमवार को डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने नौकरी बहाल करने की मांग की है। अब यहाँ पर क्या है पूरा मंजरा, कर्मचारी सुचित्रा जितेंद्र कुमार, कोमल सिंह, संदीप कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा 2014 में 2211 TG2 पदों के लिए जारी विज्ञापन में हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित के साथ 2 वर्ष का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र और कंप्यूटर की अतिरिक्त योग्यता के लिए आपका जो CCC का सर्टिफिकेट होता है वो, या CCC के समकक्ष जो है प्रमाण पत्र मांगा गया था। तो यहाँ पर समकक्ष लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन विज्ञापन में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि CCC के समकक्ष प्रमाण पत्र कौन कौन सी एवं किन किन संस्थाओं से मान्य होंगे। तो यहाँ पर तो पूरी पूरी गलती UPPCL की है, क्योंकि UPPCL ने विज्ञापन में स्पष्ट नहीं किया था, ठीक है। और फिर जब विज्ञापन में स्पष्ट नहीं किया है तब यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया UPPCL के द्वारा, ठीक है। वर्ष 2015 में भर्ती संपन्न होने के बाद फेल अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में CCC के समकक्ष प्रमाण पत्रों पर किए गए कोर्ट केस से न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2017 में जारी निर्देश के विपरीत विद्युत सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा CCC के समकक्ष प्रमाण पत्रों की समकक्षता के लिए जारी आदेश को आधार मानकर 714 TG2 की 3 वर्ष पुराने चयन को यहाँ पर निरस्त कर दिया। निकाले गए 714 निर्दोष कर्मचारियों का आरोप है कि विज्ञापन संपन्न होने एवं विभाग में नियुक्ति पा लेने के बाद समकक्षता प्रमाण का 3 वर्ष बाद निर्धारण न्याय संगत नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर उनको आपने ज्वाइनिंग क्यों दिया, फिर 3 साल उन्होंने यहाँ पर जॉब कर ली है, तब उनको क्यों निकाला गया। इसके अलावा यहाँ पर इन लोगों ने कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं किया था कि यहाँ पर जो है किस ये कौन कौन से यहाँ पर इसके समकक्ष होंगे CCC के। और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी ये आपके एग्जाम निकलते हैं, जहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन पूरी तरह से देता ही नहीं, आधा अधूरा नोटिफिकेशन देंगे, बाद में अपनी ये मनमानी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये है अपडेट, यानी कि 714 लोगों के साथ ये एक तरह से मेरे हिसाब से ये न्याइंसाफी है, क्योंकि 3 साल आप नौकरी करवाने के बाद में किसी को इस तरह से नहीं हटा सकते, या तो आप उनको ज्वाइनिंग नहीं देते। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो।